चैनल का काम हो रहा है, फोटो सब हाँ बोलते रहो यार। अरे गौरव गौरव पांडे की शादी है, मजाक बात है। पीए साहब की का फोटो नहीं आई है सर? आएगा सब। ये रोशनी ठीक भाई, आज क्या कहते हैं, आज जवाहर खादर कार्यालय के जो है चहेते गौरव पांडे जी की शादी है। खादर कार्यालय से समस्त स्टाफ आया हुआ है, जय शर्मा जी, चौरसिया जी, सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ये है गौरव जी दूल्हे राजा। अरे सर 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 मस्त है ना सर, एकदम बढ़िया सर। अब लाइव कर दिए क्या? हाँ एकदम लाइव चल रहा है सर, बीच में सर लाइव ही रहता है। ये देखिए, अरे दूल्हे राजा बीच में खड़े बादशाह, ये देखिए। अरे केबी कहाँ गए? केबी आगे आओ। अरे पिंकी कहाँ हो तुम? रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे आओ, अरे वो छोड़ो, कुछ क्वेश्चन वेश्चन तो नहीं करेंगे सर? तो आज कैसा लग रहा है दूल्हे राजा जी? एक दिन के आज आपको कैसा महसूस हो रहा है ये बताइए। खुशी या गम क्या महसूस हो रहा है? सब आपकी खुशियाँ छीन रही है या नहीं आने वाली? आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी सर? असमंजस की स्थिति में है। पत्ता पत्ता वाली लीगल सेल के पास जा रही है चौरसिया जी के पास। और फाइनेंशियल के लिए संजीव जी भी यहाँ उपस्थित है। चौरसिया जी आज कैसा लग? बहुत दिन के बाद हम लोग जो है ना शहर की शादियों से गांव की तरफ आए हैं, कितना कैसा एहसास हो रहा बताइए। गांव में ही शादियों का त्योहारों का उत्सवों का मतलब है। त्योहारों में तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होती है, तो इसमें यहाँ अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा अच्छा, हमारे पास जय शर्मा जी हैं। जय शर्मा जी जो हमारे यहाँ कमिश्नर स्टाफ से हैं, तो ये बताइए, हम लोग जनरली जो है गेस्ट हाउस की जो है भौगोलिक शादियाँ देखते रहे हैं, लेकिन आज हम लोग गांव की शादी में आए हैं, कितना अच्छा आनंद महसूस, कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि शहर की शादी और गांव की शादी लगता है कि वास्तव में भारतीय कल्चर है। बिल्कुल भारतीय कल्चर है, बहुत अच्छा है। देखिए पहले से ढेर सारे लोग यहाँ पर आए हैं, पहली बार रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये हमारे अखिलेश जी आए, ये भी खादर का अखिलेश जी, जो हम लोग शहर की शादियों में झटपट झटपट शादियाँ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आके लगता है कि वास्तव में भारतीय कल्चर वाली शादी है। इसके लिए क्या कहेंगे गांव की शादियों के ऊपर? गांव की शादी में जो थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। अरे क्या बोल भाई, भाई क्या लगता है? मजा आ रहा है शादी में? मजा आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, वाह वाह भाई। बोलिए जरा, चैनल पे लाइव होने वाले हैं, ये बताइए जो मैंने महसूस किया है आज, कि जब हम लोग जनरली जो है जाते हैं गेस्ट हाउस में और धूम धड़ाका जाके समय भी नहीं होता है, वो शायद रोबोटिक टाइप की शादियाँ हो जाती है, तो जो मैं आया हूँ मैंने महसूस किया एक रिलैक्स, वास्तव में भारतीयता का एहसास। आप क्या अपना नाम बताइए पहले? मैं नवीन तिवारी। आप ये नवीन तिवारी जी हैं और ये विशेष रूप से आए हुए हैं, क्या लगता है कल्चर? बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। भाई साहब आप बताइए अपना नाम बताइए, मुझे तो मेरे बारे में तो मालूम ही होगा। मैं संतोष प्रकाश हूँ, लेकिन ऐसे यहाँ चैनल पे आप कल यूट्यूब में आ जाएगा, ये शादी यूट्यूब में दर्ज हो रही है। अच्छा लगता है कि भारतीय संस्कृति जो विशेष शादी है वो ऐसे होती थी, ऐसे होती है। आज हम लोग उन मूल्यों को भूल गए, आप क्या कहेंगे? अब उसमें आज के जमाने में समय के साथ गेस्ट हाउस पहले पानी पी लीजिए उसके बाद, ये यथार्थ यही है। अच्छा अच्छा भाई साहब पानी पी लीजिए उसके बाद। अरे आप बताइए, चलिए आप ही बताइए सब बताइए। ये शुरू हो जाओ, क्या लगता है बढ़िया, कितना इंतजाम खूबसूरत है इंतजाम के लिए? अरे सभी लोग ग्रामीण परिवेश के ही लोग हैं, वो एक बनावटीपन सब के अंदर जो आ गया है, ग्रामीण सूट का कुछ पैसा कमा करके लोग सारी बनने का प्रयास करते हैं,
छुट्टी नहीं मिलती है ना। ये पूरा आप ओरिजिनल स्थान पे आए हुए हैं जहाँ से पैदा हुए हैं और जिस परिवेश से आगे बढ़े हैं, ये परिवेश वापस आना जो है वो बड़ा ही सुखद होता है। और इस प्रकार की शादियाँ को होना, ये तो आप ग्रामीण परिवेश के साथ साथ अपने भारतीता भी है, ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में भी ये चीज़ है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर ये पद्धति है। लेकिन जब बदलाव होता है कहीं पर ना, तो ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो काफ़ी लोग भटक जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप रुकेंगे, खुली हवा में रहेंगे, आपस में मिलेंगे, जो मस्ती यहाँ पर होगी ना वो मस्ती कहीं नहीं होगी। वहाँ पर क्या होता है, लोग जाते हैं, खाते हैं और फॉर्मेलिटी करते हैं कि अपना निमंत्रण दिए चल दिए। यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोगों से मिलते हुए जब आगे बढ़ते हैं, द्वारचार करते हैं, द्वारचार के बाद शादी करते हैं, शादी के बाद दूल्हे को आशीर्वाद देने के बाद खाना खाते हैं, तो ये जो आनंद है वो कहीं नहीं, यही हमारा मूल था और यही वापस आ रहा है, खुशी की बात है। धन्यवाद आपको। हिंदू धर्म संस्कृत के ऊपर काफी रिसर्च है। आज जनन जी ये बताइएगा, जो हम लोग यहाँ आए हुए हैं, जो शहर की शादियों के बजाय ये लग रहा है कि वास्तव में भारतीय कल्चर वाली शादी है, क्या कहेंगे उन्मुक्त रूप से जो हम लोग सादगी पर ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? रोहित जी आप भी जरा कुछ बताइए, कितना अच्छा इंतजाम है सर। ये लीजिए, पहला ये भारतीय इंतजाम पकड़ी है, बोलिए ये देखिए, ये जनन जी आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत खूबसूरत इंतजाम है, बहुत आवभगत का इंतजाम किया गया है गौरव जी के ससुराल वालों ने, और बहुत ही अच्छा इंतजाम है साथियों। ये है रोहित जी, ये है दिलीप, और कहाँ गए हमारे संजीव भाई, इधर आइए। संजीव भाई ये भी जवाहर भवन में लेखा शाखा में आए हुए, बहुत कैसा महसूस हो रहा है आपके? अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए हर आदमी जो जवाहर भवन आदर्श कार्यालय से एक लंबी टीम आई हुई है, हर आदमी इतना मस्त है, अपनेपन का एहसास हो रहा है, जो लगता है कि शहर की गेस्ट हाउस में नहीं मिलता है वो यहाँ आ जाकर। मजा अपने आप में, और क्या। ये दिलीप है, ये सबसे अलग हटके मार जुटे पड़े हैं, किसी की तरफ देख नहीं रहे हैं। ये देख लो कौन देख है? ये है, ये साथियों मैं हूँ संतोष अर्थात यहाँ गौरव पांडे जी की शादी में आया हुआ हूँ, मिलता हूँ फिर अभी।